नमस्कार दोस्तों, मैं आपका चिरपरिचित दोस्त हाजिर हूँ आपके अपने चैनल ज्ञान विशेष में। दोस्तों, आज की जानकारी बेहद और बेहद खास है, जबरदस्त है, क्योंकि लौकी हम सब लोग जानते हैं, इसकी ज्यादा परिचय देने की जरूरत नहीं। दोस्तों, लौकी की प्रमुख दो प्रजाति पाई जाती है, एक कड़वी और दूसरी मीठी। मीठी लौकी का हम सब्जी के रूप में उपयोग करते हैं और कड़वी लौकी औषध कार्य में उपयोग में ली जाती है। दोस्तों, लौकी औषधीय गुणों से भरी होती है। दोस्तों, लौकी का साग बनाकर खाने से शीतलता प्राप्त होती है, ये पेट को साफ करता है और रक्त को शुद्ध करता है। दोस्तों, इसकी एक बेल होती है, लता होती है, इसको बड़े बड़े पत्ते लगते हैं और सफ़ेद रंग के पुष्प होते हैं। इसके जो फल लगते हैं बड़े लंबे या गोल तथा साधारण बोतल के आकार के भी होते हैं। इसकी बेल का फैलाव जबरदस्त होता है, ये कहीं पर आसानी से चढ़ जाती है। ये देखिए, ये लौकी की बेल है। प्रकृति के सभी प्रकार के पेड़ पौधों की पहचान के लिए और इसकी सही जानकारी के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। जानकारी अच्छी लगे तो अपने मित्रों और स्नेहीजनों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, मीठी लौकी स्वाद में मधुर, शीतल और पचने में भारी होती है, ये कफ पित्त को मिटाती है तथा वात को बढ़ाती है। इसका साग बनाकर खाने से गर्भ का पोषण होता है और ये धातु को बढ़ाती है तथा हृदय के लिए काफ़ी फायदेमंद होती है। इसका सेवन करने से पेट की कृमि मिट जाती है और भोजन के प्रति अरुचि दूर होती है। दोस्तों, लौकी का सेवन करना बेहद फायदेमंद होता है, ये जबरदस्त पौष्टिक होती है, ये अनेक प्रकार के रोगों का नाश करती है और हृदय के लिए हितकारी है। जो लोग हृदय की बीमारियों से पीड़ित है, डायबिटीज से पीड़ित है, ऐसे लोगों को लौकी के जूस का सेवन काफी फायदेमंद होता है, ये कमजोर हृदय को मजबूत बनाती है और शरीर में खून की कमी को दूर करती है। दोस्तों, अगर आप लौकी का रोजाना सेवन करते हैं तो शरीर में खराब हुए कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे कम होने लगता है, जो हृदय को स्वस्थ और फिट रखने के लिए बेहद आवश्यक है। इसके जूस का रोजाना सेवन करने से शरीर हमेशा फिट रहता है और स्फूर्ति बनी रहती है। दोस्तों, अगर सुबह उठकर लौकी का जूस पिया जाए तो शरीर ताकत से भर जाता है। लौकी का जूस एनर्जी का सबसे बड़ा स्रोत है, इससे मांसपेशियां मजबूत बनती है। जिन लोगों को यूरिन एसिड बढ़ जाता है, ऐसे लोगों को लौकी का जूस का सेवन अवश्य करना चाहिए। रोजाना सुबह उठकर खाली पेट लौकी का जूस एक गिलास पीने से शरीर ताजगी से भर जाता है, ये रस शरीर में भरे सारे कचरे को बाहर कर देता है, खून साफ हो जाता है, किडनी मजबूत बनती है और कई प्रकार की बीमारियां दूर होती है। दोस्तों, लौकी का जूस पीना बहुत फायदेमंद होता है, लेकिन इसकी कुछ सावधानियां भी है। लौकी का जूस बनाने से पहले इसका एक टुकड़ा काटकर पहले चख ले, गलती से भी कड़वी लौकी का उपयोग न करे और ध्यान रहे लौकी के जूस के साथ और किसी चीज को न मिलाए। दोस्तों, इसका रोजाना जूस पीने से बढ़ता हुआ वजन धीरे धीरे कम होने लगता है, क्योंकि इसमें कैलोरी कम मात्रा में होती है। इसमें फाइबर काफी मात्रा में पाया जाता है, जो पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। इसका रोजाना सेवन करने से कब्ज नहीं बनती और गैस एसिडिटी दूर होती है। दोस्तों, मीठी लौकी का जूस रोजाना पीने से डायबिटीज कंट्रोल में रहता है। दोस्तों, जिन लोगों को दांतों में दर्द की समस्या है, ऐसे लोगों को कड़वी लौकी के मूल का चूर्ण बनाकर रोजाना मंजन करना चाहिए, ये दांतों के कीड़े को नष्ट करता है। दोस्तों, इसके पत्र बालों की झड़ने की समस्या में बहुत फायदेमंद होता है, इसके ताजे पत्रों का रस निकालकर सिर पर लगाएं, इससे बालों का झड़ना शीघ्र बंद हो जाता है और नए बाल आने लगते हैं। दोस्तों, श्वास के रोगियों को इसके फलों का रोजाना साग बनाकर खाना चाहिए, इससे श्वास नलिका की सूजन उतर जाती है। दोस्तों, इसके ताजे फलों के रस को शरीर पर लगाने से खुजली का शमन होता है। तो दोस्तों, ये थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर एक नई जानकारी के साथ।